आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कार्यवाहक डीजीपी हटाने की मांग। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार को तत्काल हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायती पत्र भेजा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि डीजीपी का पद संभालने से पहले अभिनव कुमार सीएम धामी के प्रमुख सचिव रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के साथ उनकी नज़दीकी है। ऐसे में उनके डीजीपी रहते हुए राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराया जा सकता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के महज 2 दिन बाद ही 6 राज्यों के गृह सचिवों, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हिमाचल प्रदेश को हटा दिया था। हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग का, जिन्होंने उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगोली को पदमुक्त करने की बात कही है, उनको दूसरी जिम्मेदारी देने की बात कही है। लेकिन साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के कार्यवाहक जो डीजीपी है अभिनव कुमार, हमें पूरा शक है कि वो निष्पक्ष नहीं होने देंगे चुनाव को, वो मैन्युपुलेट करेंगे चुनाव नतीजों को, क्योंकि वो पुष्कर सिंह धामी के राइट हैंड है, किचन कैबिनेट के आदमी है और लगातार अपने सत्ता का या अपने पद का दुरुपयोग करते चले आ रहे हैं। दूसरी बात चौंकाने वाली, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभिनव कुमार जो है उत्तराखंड कैडर के हैं ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश कैडर के हैं। ट्रिब्यूनल में उन्होंने केस डाला था 2014 में, उनके खिलाफ जो है जजमेंट आया और वो हार गए केस, लेकिन उनके पास ऑप्शन था कि वो दोबारा जा सकते थे, अपना केस डाल सकते थे, उन्होंने आज तक नहीं डाला है। वही पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें कार्यकारी डीजीपी इसीलिए बनाया क्योंकि किसी भी प्रदेश सरकार को 3 नाम ऊपर पैनल के रूप में भेजना होता है डीजीपी के तौर पर, जो पुष्कर सिंह धामी ने नहीं भेजे, उनको अपना ही व्यक्ति क्योंकि डीजीपी के पद पर चाहिए था, इसलिए फुल फ्लेजेड डीजीपी आज की तारीख में अभिनव कुमार नहीं है। उनके आगे कार्यकारी इसीलिए लिखा गया है या कार्यवाहक इसीलिए लिखा गया है क्योंकि वो संवैधानिक तौर से बन ही नहीं सकते डीजीपी, और हमें पूरा पूरा अंदेशा है, हम मुख्य विपक्षी दल है, हमारा पूरा अंदेशा है कि वो चुनाव में अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके, अपनी पावर्स का दुरुपयोग करके नतीजों को प्रभावित करेंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी ने जो चिट्ठी लिखी है, हमारी अपेक्षा है कि मुख्य निर्वाचन आयोग उस पर कार्रवाई करे। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।